अस्सलाम वालेकुम, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आई होप ये जो सिस्टर ने मुझे कहा वो इसको ज़रूर देखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने शोल्डर के लिए लिए हैं 5 इंचेस, आर्म होल के लिए हमें लिए हैं 4.5 से लेके 5 इंच तक, नेक का हमें लिया है 2.5 इंचेस, और नेक का जो लंबाई है वो हम लेंगे 3 इंचेस, और जो टोटल लेंथ है वो हमें लिए है यहाँ पे 18 इंच। तो यहाँ पे हम 18 इंच पे मार्क कर रहे हैं और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस टाइप का जो ड्रेस है ये ना ड्रेस है या टॉप है, ये सेमी लॉन्ग रहता है जो हिप के नीचे रहता है। 1 इंच हमने यहाँ पे लिए हैं जो हमारे राउंड शेप के लिए कटेंगे, और नीचे का जो घेर है वो हमने लिए हैं 8 इंचेस। ये स्टीप हमने कटिंग कर ली है बहुत लंबा सा, जो हमारी 8 इंच का था उसका डबल, यानी कि 8 8 है 16 इंचेस, और 16 इंच का हम लोगों को डबल करने के बाद जो नंबर आएगा वहाँ से हम लोगों को 6 से 8 इंच तक ज़्यादा लेना है। ये हम हमारी जो टॉप पार्ट है उसको हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो नेक पार्ट है वो हमने कटिंग कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से 2 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा जो हमारी डिज़ाइन के लिए होगा, और यहाँ से हम इस तरह से एक वी शेप में इसको कट कर देंगे। इस तरह से हम ये जो डॉट लाइन है इसको हम जोड़ लेंगे इस तरह से और इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउंड सा शेप दे देंगे। दोनों का साइज सेम हो इसीलिए मैं इस तरह से इसको मार्क कर रही हूँ। तो ये है हमारा नेक का पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो ड्रेस का मेन पार्ट है, जो हमारी डिज़ाइन का नीचे का पोर्शन है, उसको हम दो बार फोल्ड करते हुए यहाँ पे जिगजैग स्टिच या फिर नॉर्मल स्टिच से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल स्टिच से इसको कंप्लीट कर रहे हैं और ये स्ट्रिप हमारी तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो नेक है उसको हम लोग स्टिच करेंगे। सबसे पहले जो हमारी वी शेप का दो साइड था वहाँ पे हम लोग इस तरह से फोल्ड करते हुए एक नॉर्मल सा स्टिच दे देंगे इस तरह से। जब ये हो जाए उसके बाद हम इसको सेंटर पे इस तरह से रखेंगे। करने के बाद जो हमने राउंड सा शेप दिया था नेक के लिए वहाँ पे हम लोग इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये पार्ट हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक्स हैं उसको हम लोग कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारी राइट साइड पे ले आना होगा, हमारा जो नेक है उसको घुमा के राइट तरफ ले आना होगा। ले आने के बाद यहाँ पे हम लोग एक चाप स्टिच देंगे। देने के बाद पिन से इसको हम अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे। करने के बाद हमने दो डिफरेंट कलर का भी आप लोग ले सकते हो या फिर एक ही नील ले सकते हो, जो आप लोगों को पसंद आए। उसको हम इस तरह से रखते हुए हमारी जो बॉर्डर है उसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। इस तरह से करके हम लोग इसको फिनिशिंग लाइन देंगे। ये जो लेस हैं हम लोग हमारी ड्रेस का नीचे का पार्ट में भी हम ये लगाएंगे। बैक पार्ट पे हमने होल को लगा, ये जो हुक होती है वो हमें लगाए हैं, जो बॉटम्स के लिए होती हैं वो हम लगा रहे हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जिपर या फिर डोरी भी लगा सकते हो। तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, सेंटर बराबर हम इसको कट करते इसको फोल्ड करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये प्रोसेस में मेरी और जो वीडियोस हैं वहाँ पे मैंने दिखा दिया है किस तरह से इस नेक को आप लोगों को कंप्लीट करना है। जब ये हो जाए उसके बाद सेम कलर का हमने लिए हैं डिफरेंट एक कलर का फैब्रिक, वहाँ पे हम लोग छोटे छोटे करके पैलेट्स दिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से ये थोड़ा कपड़ा जो है थोड़ा भिगो के हम लोगों को इसको आयरन कर देना है। इस तरह से करने से क्या होगा, ये फ्लैट रहेगा और स्टिचिंग के समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमने स्ट्रिप लिए थे पहले जो सेम कलर का ही था
उसके ऊपर हम ये लगाएंगे, यानी ये होगा ऊपर और वो पार्ट होगा नीचे, इस तरह से। इस तरह से लगाते हुए हम लोगों को यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे, और ये पार्ट हम डायरेक्ट स्टिच करेंगे हमारी जो ड्रेस है उसके नीचे। तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हमारा जो लेस है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। इससे होगा क्या, आप लोगों को अटैच करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम हमारी जो ड्रेस है, ड्रेस के नीचे के पार्ट पे ये अटैच कर देंगे। तो ये हमारी अटैच हो गई है। इसी तरह से हमारी बैक पार्ट को भी हम लोग अटैच कर लेंगे। जब अटैच हो जाए उसके ऊपर इस तरह से रख के हम लोग चाप स्टिच दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये स्टिच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो शोल्डर है उसको और हमारी जो ड्रेस का बॉडी है वो स्टिच करेंगे। सेम प्रोसेस हम हमारी जो जो हमारी स्लेवेस हैं वहाँ पे हम करेंगे। स्लेवेस को भी हम सेम जो पैलेट्स वाला फैब्रिक है उससे हम लोग इसको बनाएंगे। अगर आप लोग चाहो तो इसको स्लेवेस ना भी दे सकते हो, पर ये देने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सेंटर पे हम लोग रखते हुए छोटे छोटे करके हम लोग यहाँ पे स्टिच दे रहे हैं और इसको कंप्लीट कर रहे हैं। जब ये हो जाए उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ज़िगज़ैग स्टिच देके इसको कंप्लीट करना है। तो हमारी ये स्लेवस अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचे हुए फैब्रिक हैं आप लोग देख सकते हो आर्मोल के नीचे, यहाँ पे एक फैब्रिक को हम छोटा सा करके अटैच करेंगे। करने के बाद यहाँ पे एक चाप स्टिच देके इसको कंप्लीट कर देंगे। या फिर अगर आप लोगों के पास फोल्डिंग फूड है तो आप लोग डायरेक्ट फोल्ड करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो हमारी ये पार्ट हो गई है। अब हम सिर्फ बॉडी जो है उसको स्टिच करेंगे और ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप लोग मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।